हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है BSF की, जो आपकी फुल फॉर्म है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। आपकी ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकल के आई हुई है, तो आपकी ये वैकेंसी हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए निकाली गई है। और अगर बात की जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की, तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आपकी ये वैकेंसी बहुत ही अच्छे पदों पर निकाली गई है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑनलाइन डेट से लेकर जॉब लोकेशन तक कंप्लीटली बताऊंगी, जैसे कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी, एज इसमें आपसे कब तक मांगी गई है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, अप्लाई मोड आपका क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपकी क्या है, और इसके साथ में आपको जो आपकी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स की पोस्ट है कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल, ओबीसी, EWS, SC और SC कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है, कंप्लीटली आगे वीडियो में बताऊंगी। विद इसके साथ में आपको इसका सिलेबस भी बताऊंगी। अगर जो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट नेम जो आपका है वो आपके पोस्ट का नाम है, हेड कॉन्स्टेबल के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो आपकी पोस्टों की संख्या है वो है 1312 पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। आपकी इसमें दो पोस्ट हैं, जैसे हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो आपकी टोटल सीट है वो है 982, और आपकी हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक्स की जो पोस्ट है उसमें आपकी टोटल सीट की संख्या है 330। ऑनलाइन डेट यानी आवेदन प्रक्रिया जो आपकी शुरू होगी वो 20 अगस्त 2022 से आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो आपकी है वो 19 सितंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, तो एप्लीकेशन फीस जो आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 200 रुपए, एससी और एसटी एंड फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं रहेगी, उनके फॉर्म एकदम फ्री में भरे जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 19 सितंबर 2022 से काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। एज में हमें छूट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स की छूट और एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स की छूट मिलेगी एज में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी इसमें 10th, अगर जो आपने 10th पास किया है 12 एंड ITI, तो आप इसके माध्यम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो आपका होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मैकेनिकल टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी यानी पे स्केल जो आपका रहने वाला है वो 25,000 से लेकर 81,000, और जो आपकी सैलरी किस लेवल के मिलेगी, तो आपकी ये 4 लेवल की सैलरी मिलने वाली है इसमें, जो कि आप लोगों के लिए हर मंथ का अमाउंट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अप्लाई मोड आपका क्या रहेगा, तो आपके ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और किसी माध्यम से नहीं। जॉब लोकेशन जो आपकी है वो है ऑल ऑफ इंडिया, यानी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हों। अब बात करते हैं आपके कैटेगरी वाइज, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक्स की, तो आपकी जो रेडियो में है, ऑपरेटर में जनरल के लिए 321 पोस्टें हैं, EWS में आपकी 420 पोस्टें हैं, और OBC में इसमें एक भी नहीं पोस्ट है, SC में आपके 131 पोस्टें हैं, और SC कैंडिडेट के लिए 110 पोस्टें हैं। आपकी रेडियो मैकेनिक्स की जो आपकी पोस्ट है उसमें जनरल के लिए 43 पोस्टें हैं, और EWS के लिए 61 पोस्टें हैं, OBC के लिए 100 पोस्टें हैं, SC के लिए 77 पोस्टें हैं, ST के लिए 49 पोस्टें हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, तो आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, यानी आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्केटिंग जो आपकी है वो है 0.5। आपके सब्जेक्ट यानी फिजिक्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन जो आपके होंगे 80 मार्क्स पे होंगे, और मैथ में जो आपके हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स, और आपके जो मार्क्स रहेंगे 40 क्वेश्चन पे आपके 40 मार्क्स रहेंगे।
और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन पे आपके 40 मार्क्स रहेंगे, और इंग्लिश एंड जीके में जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन पे आपके 40 मार्क्स रहेंगे। अगर जो आप इस वैकेंसी लेके इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड है तो फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद, जय।